तो गाइस जैसा कि यार आप लोग देख सकते हैं, मेरा कंप्यूटर अभी मैंने इसको साफ किया था थोड़ी देर पहले, तो अभी ये रेड जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का ये ब्लिंक कर रहा है, ये अब ब्लिंक कर रहा है और स्क्रीन पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अब यार मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, ये क्या सीन हो गया है। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो चले अभी कंप्यूटर को खोलते हैं दोबारा से। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, पावर केबल जो है आपकी अनप्लग कर देनी है। ये यहाँ से हम अपनी पावर केबल है ये अनप्लग कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी पावर केबल अनप्लग कर दी है और अब मैं अपना सीपीयू को खोलता हूँ। तो ये मेरे कंप्यूटर का आप अंदर व्यू देख सकते हैं। तो ये आपको ये नज़र आ रही होगी, ये पावर की है केबल। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले इसको अनप्लग करना है। ये आपको पी टू केबल नजर आएगी, ये नीचे आप पी टू देख सकते हैं लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं पी टू केबल है, इसको आपने यहाँ से अनप्लग करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये पी टू केबल अनप्लग कर ली है, ये पी टू केबल। तो इसके बाद आपने ये जो ये दूसरी केबल लगी हुई है पावर की, ये आपको साइड पे नजर आएगी, ये वाली केबल P1 केबल है, पावर वन केबल। इसको भी आपने यहाँ पे इसका साइड पे क्लिप होगा, क्लिप प्रेस करके अनप्लग कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यार ये P1 केबल है, P1 केबल भी हमने अपनी अनप्लग कर दी है, ये आप देख सकते हैं P1 केबल। तो अभी आपने क्या काम करना है, अपने कंप्यूटर की बैक पे आ जाना है और पावर केबल प्लग करनी है। ये है मेरी पावर केबल, ये मैं अपनी पावर केबल पीछे प्लग कर लेता हूँ। आपकी ये जो दो केबल्स हैं ये अनप्लग होनी चाहिए, मैंने अपनी पीछे पावर केबल प्लग कर ली है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बैक साइड पे दिखाता हूँ, और यहाँ से आपको पीसी को ऑन करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपने अपने पीसी को ऑन करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो इसके पीछे आपको एक बटन नजर आएगा, ये रिसेट बटन है, आपने इसको ये प्रेस करके रखना है। तो ये दो तीन बार आपने इसको प्रेस कर देना है, यहाँ से फिर हम दोबारा इसको प्रेस करते हैं। तो ये अभी यहाँ से हमारी केबल रीसेट हो चुकी है, अभी हम दोबारा उसको करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब आपने अपनी केबल्स वापस डाल लेनी है यार, ये हम अपनी ये वाली केबल भी वापस लगा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी ये दूसरी केबल भी वापस लगा लेते हैं। ये हमने अपनी दोनों केबलें प्लग कर ली हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कंप्यूटर ऑन करके। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, तो अब जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, ये लाइट अभी मैंने ऑन कर ली है और ये आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, ये वर्किंग कर रहा है। अगर आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता तो फिर आपका या तो प्रोसेसर का मसला है, मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोसेसर का मसला है या फिर आपका पावर सप्लाई का मसला है, अगर ये मेथड आपके पास वर्क नहीं करता। तब फिलहाल मेरे पास ये मेथड वर्क कर चुका है और मेरा पीसी ऑन हो चुका है, इसलिए मैं आपको एक प्रो टिप ये दूंगा आखिर में कि आप जो अपने प्रोसेसर है उसको कभी ज़िंदगी में ना निकालें प्रोसेसर, क्योंकि जो कोर i7 होता है, कोर i5 होता है या कोर सीरीज होती है, इनका प्रोसेसर की जो पिन होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। तो आपने अगर साफ़ करना है तो ऊपर ऊपर से साफ़ करें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो आप एयर ब्लोअर है वो इस्तेमाल करें, या तो फिर आप इसको किसी पंखे वगैरह के आगे करके साफ़ कर सकते हैं। खुद इसके अंदर किसी कपड़े शपड़े को मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे इसकी कोई भी पिन टूट सकती है, तो आपने इस चीज़ का बहुत एहतियात रखना है कंप्यूटर को खोलते वक्त। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।